क्योंकि बस 3 दिन में ही नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है, आज 23 तारीख 24-25। तो हम लोग भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के बारे में भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। तो प्रहलाद नरसिंह देव, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े छोटा सा इन्वोकेशन प्रेयर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयद्धीरेत। निष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निश्चिते। मुखं करोति वाचालं पङ्गोलङ्गयदङ्गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरोदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। सो ये जो भगवान नरसिंहदेव की लीला है, श्रीमद् भागवतम पुराण में बहुत ही अच्छे से वर्णित है। कल श्रीपाद संकर्षण जयपुर ने क्लास किया था इसके ऊपर, हम लोग अगले 2 दिन तक लेते रहेंगे। तो नरसिंह लीला जो है श्रीपाद संकर्षण जयपुर बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में जो 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, उस विषय वस्तुओं में से उदया, मतलब कि क्यों पूरा का पूरा क्रिएशन हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो इंपल्स है क्रिएशन का उसका वर्णन, और साथ साथ में पोषण का ही वर्णन है, कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का पोषण करते हैं। पोषण मतलब कि उनकी रक्षा करते हैं। तो पूरे के पूरे 12 स्कंध हैं, और 12 स्कंध पूरे 10 तत्वों के ऊपर में वो चर्चा करता है, टोटल 18,000 श्लोक समान। तो छठे स्कंध में आता है वर्णन कैसे भगवान श्री कृष्ण न जाने कितने सारे दैत्यों का नाश करते हैं और अपने भक्तों का हमेशा वो पक्ष लेते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा आते हैं तो क्या करते हैं, सबको पता है, बहुत ही फेमस श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म उठता है, तो उस समय मैं आता हूँ और क्या करता हूँ, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करके विनाशाय च दुष्कृताम करता हूँ। वाह। तो बहुत सारे लोग हैं अन्य धर्म के, मतलब कि अन्य कुछ लोग जो कि भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों पर उनके उन्हें विश्वास नहीं, बोलते हैं कि कैसा भगवान है आप लोग का, भगवान तो सबका होता है ना, किसी को मारना, किसी को फेवर करना, ये तो भगवान का लक्षण नहीं है, है कि नहीं। अगर भगवान है तो सबके लिए भगवान होना चाहिए, किसी को मारेगा क्यों, है कि नहीं। तो बहुत ही वाजिब क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग कि भगवान है तो किसी को मार देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसी तरीके का प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, वो सबों के प्रति संभाव होना चाहिए उनका, तो इस तरीके से वो क्यों इंद्र का पक्ष हमेशा लेते हैं। भगवान को बोला भी गया है कि वो कब आते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोके, जब इंद्र के अरि, इंद्र के दुश्मन जब संसार को व्याकुल कर देते हैं, इंद्र के बहुत सारे दुश्मन हुए हैं, इंद्र हमेशा पंगा लेते रहता है इधर उधर, तो वैसे दुश्मन जो कि सही में इंद्र को एकदम मारने के पीछे भिड़ा होता है, और साथ साथ में आसुरी प्रवृत्ति का वो शरण लेके बहुत सारे लोगों को और संसार के लोगों का मतलब जीवन दुभर कर दिया हो, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं, साथ में इंद्र का भी थोड़ा रिलीफ करते हैं, उसका टेंशन कम करते हैं। तो परीक्षित महाराज 2 प्रश्न पूछ रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान तो परमात्मा है, सबों के दोस्त होने चाहिए, सबों के प्रोटेक्टर होने चाहिए, लेकिन वो दैत्यों को क्यों मारते हैं, दानवों को क्यों मारते हैं इंद्र के लिए, है ना। जैसे वृत्रासुर की स्टोरी में आता है, वृत्रासुर को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ही वर दिया था और एक हथियार दिया था इंद्र को, जिससे कि वृत्रासुर का वध हुआ। और दूसरा प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि परीक्षित महाराज बोलते हैं कि शिशुपाल जो था वो दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ था,
लेकिन उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण से होने के बाद उसका मतलब कल्याण कैसे हो गया, है ना? वो तो पूरे जीवन भर जैसे ही वो जन्म लिया था वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देना चालू किया था। ऐसा देख के उसकी माँ भी घबरा गई थी, पता नहीं इसका क्या होगा। और आकाशवाणी हुई कि ये श्री कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से ये शर्त भी रखवाई थी कि आपने आपको इसके बहुत सारे ऐसे गलती करेगा या निंदाएं करेगा आपका, आप उसको माफ करना है, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है माफ करूंगा, लेकिन बुआ मैं बस 100 निंदाओं को ही माफ कर सकता हूँ, 100 से ऊपर गया तो फिर माफ नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की जो टॉलरेंस लिमिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने साथ जो कोई भी जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं उसी तरीके से वो भी व्यवहार करते हैं। अगर कोई चाहता है भगवान श्री कृष्ण को अपने दुश्मन की तरफ में समझता है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी रूप में क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो परीक्षित महाराज का ये दो प्रश्न, तो फिर परीक्षित महाराज तो प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न क्या था कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने भक्त का हमेशा पक्ष देते हैं, दानवों का हमेशा संहार करते हैं। तो भगवान परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, हम जैसे लोगों के समान भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उनको हम लोगों से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपने पहले बोल चुका है कि परमात्मा है, प्रत्येक जीव के अंदर में निवास करते हैं, और साथ साथ में जैसे हम लोग 3 गुणों में आबद्ध हैं, वी आर कंडीशन बाय 3 मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, वैसे भगवान श्री कृष्ण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते। और रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली व्यक्ति किसी को दुश्मन बना लेता है और किसी को दोस्त बना लेता है ना। अगर आप किसी को दुश्मन बना लिए तो कोई आपका दोस्त है, किसी को आप दोस्त बनाए तो किसी को दुश्मन बनाना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली आयरनी ऑफ दिस वर्ल्ड कि अगर आप किसी को दुश्मन बनाए तो दोस्त भी होगा, दोस्त है तो दुश्मन होगा, कहीं ठंडा है तो गर्मी, कहीं पे गर्मी होगी। किसी के प्रति आप आसक्त हैं तो उस आसक्ति के कारण एक दूसरा चीज पैदा होगा जो कि जिसे कहा जाता है हेट या फिर घृणा। तो आसक्ति और घृणा मतलब कि दो जो पहलू होते हैं सिक्कों के, एक सिक्का है तो उसके दो पहलू होंगे ही, हम ये नहीं बोल सकते कि सिक्का का एक ही पहलू होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। Always there will be two sides of one coin. So this world is actually like सिक्का, मतलब कि हमेशा इसके दो पहलू होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, गड्ढा ऊंचा, ठंडी गर्मी, सुख दुख, आसक्ति या फिर किसी के साथ घृणा। तो ये इसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये 3 गुणों से परे हैं। सुप्रीम लॉर्ड डजंट कम इनटू दिस ड्यूअलिटी, द्वंद के अंदर नहीं आते, और वो समय के नियंता हैं और पूर्ण रूप से समय उनके अधीन कार्य करता है, बल्कि हम लोग समय के अधीन कार्य करते हैं। और इस तरीके से वो है क्या, एब्सोल्यूट, मतलब कि वो परम तत्व हैं जिनमें रिलेटिविटी काम नहीं करती, उसमें रिलेटिविटी नहीं है, सब कुछ रिलेटिविटी के अनुसार ही होता है ना, ये उसका दुश्मन है, वो उसका दोस्त है। अगर आप इंडिया, अगर सपोज एग्जांपल हो रहा है, इंडिया इजराइल का दोस्त है तो ऑटोमेटिकली है ना वो किसका दुश्मन हो गया, पाकिस्तान का दुश्मन हो गया, फिर हमास का दुश्मन हो गया। फिर दुश्मन दोस्त की जो संज्ञा है ये लोगों के ऊपर आती है जो कि 3 गुणों में रहते हैं, वो रिलेटिव हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये वाले संज्ञा जो है रिलेटिव संज्ञा, ये नहीं लगाई सकती। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, एब्सोल्यूट, वो सबके ऊपर एक भाव देखते हैं, जो जिस तरीके से उनको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं वो उस तरीके से करते हैं। तो दूसरा, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये क्या नहीं है, वो पक्षपात नहीं करते, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पक्षपात नहीं। तो फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर में, पहला प्रश्न का उत्तर भी नहीं है, दूसरे प्रश्न का उत्तर में बताते हैं कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को निंदा करके करते थक गया, लेकिन बहुत बहुत सारी निंदाओं को भगवान ने माफ भी किया, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण से ही, और मृत्यु होने के बाद
उसकी जो आत्मा थी भगवान श्री कृष्ण में सायुज मुक्ति को प्रदान, मतलब कि आप उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय शरीर में जाके विलीन हो गया, उसको लिबरेशन मिला। ये कैसे हो सकता है? अगर आप किसी को मारते हैं तो शायद ये ना हो। तो बताया जाता है, बोला गया है कि थिंकिंग अबाउट कृष्णा इज एब्सोल्यूट। अगर कृष्ण के बारे में कोई सोच रहा है, अगर दोस्त के रूप में भी सोच रहा है या फिर परम पुरुषोत्तम भगवान प्रभु के रूप में सोच रहा है, या फिर अगर उनको दुश्मन के रूप में भी सोच रहा है, फिर भी रिजल्ट एक ही टाइप का होगा, है ना। तो दिस इज द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ सुप्रीम गॉडहेड। मतलब कि अगर आप उनसे दुश्मनी भी करते हैं तो फायदा आपका ही है, बिकॉज आप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी लोग से दुश्मनी नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही सौभाग्य बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे दानव लोग जो होते थे वो डायरेक्टली दुश्मनी करते थे, तो करते थे भगवान से करते थे। ऐसा नहीं कि दुश्मनी कर रहे हैं इधर उधर के किसी लोगों से, पंगा ले रहे हैं बस। नहीं, पंगा लेना है तो भगवान श्री कृष्ण से लो डायरेक्टली, देन देयर इज सम बेनिफिट। अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो आप सीधे पंगा लेना है, कृष्ण से पंगा लीजिए। आप जानते हैं कि कृष्ण ऐसा है, हम उसको उसे पंगा लेंगे या फिर उसके बदला लेंगे, ऐसा। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो इवन दो देवर इनिमिकल टुवर्ड कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज एब्सोल्यूट, द रिजल्ट वाज एब्सोल्यूट। मतलब आप उससे आप किसी भी वे में रेसिप्रोकेट करते हैं तो रिजल्ट जो होने वाला है वो क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दुश्मन है और दुश्मन बन के भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता है, जैसे कंस, जैसे कौन था, दराशंद था, शिशुपाल था, बहुत सारे थे, सल, तोशल, मुरा, केशी, सबों की मृत्यु हुई और वो भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी करके भगवान श्री कृष्ण को ही मारना चाहते, तो उसके कारण उनकी सदगति हुई। लेकिन ये वाली सदगति बहुत ही रिस्की है, पहला, और दूसरा है कि सभी लोग नहीं कर सकते, है ना, हमारी औकात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से पंगा ले। लेकिन हम लोग तीसरा कार्य कर सकते हैं, क्या? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक चिंता कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक भक्ति कर सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो दानवों की तरह मरने से जो मिलता है उससे बहुत ही ऊपर होता है। तो ये बहुत ही इलेबोरेट सब्जेक्ट मैटर है, इसके लिए एक क्लास काफी नहीं होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि उत्तर भगवान सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ किसी भी तरीके का संबंध बनाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको एक ही तरह की सदगति प्रदान करते हैं, लिबरेशन। हिरण्यकशिपु ये जो दानवों में सर्वश्रेष्ठ थे, उसकी कहानी आती है सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय में, जिसमें बताया जाता है कि जो हिरण्यकशिपु होता है, ये दो भाई होते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों जुड़वे होते हैं, जुड़वे भाई होते हैं, और दोनों जैसे ही जन्म लेते हैं ना, वैसे ही बहुत ही मतलब कि डेंजरस रूप धारण करके वो तुरंत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और पूरी की पूरी धरती पे वो हाहाकार मचाने लगते हैं। उनका जो भाई होता है ना हिरण्यकशिपु का भाई, वो हिरण्याक्ष को अपनी गद्दी पे बैठा के, राजगद्दी पे बैठा के दानवों को भगा के, सॉरी देवताओं को भगा के, वो हर जगह पूरी यूनिवर्स में जाता है और सबसे पंगा लेता है। उनका बस एक ही काम है कि कौन उनसे पंगा ले सकता है, और उनको हरा के वो साबित करना चाहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। तो हिरण्याक्ष ऐसे ही जा रहा था, सब ने उसके सामने नतमस्तक कर दिया, सारे देवता ने। अंत में वो गया वरुण देव के पास, वरुण देव से जाके उसने पूछा कि हे वरुण देव, मुझे आप कृपा कीजिए, मैं आपके दर पे आया हूँ, कुछ भिक्षा दीजिए। तो उसको पता चल गया वरुण देव की कि बेवकूफ, भिक्षा लेने आया इतना बड़ा दानव क्या भिक्षा लेगा, पूछता हूँ। तो उसने पूछा कि क्या चाहिए आपको भिक्षा, हे हिरण्याक्ष? तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे पंगा चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव ए ड्यूअल विथ यू मिश। तो उन्होंने सोचा कि इसका दिमाग सटक गया है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप महान हो, आपसे हम पंगा नहीं ले सकते हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, शरीर जर्जर हो चुकी है, शरीर में उतना कुछ शक्ति रहा नहीं, तो आप देखो मैं नहीं आपसे कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आपके लायक कोई आदमी आपको मिलेगा, फ्यूचर में मिलने वाला है।
जो आपको सही में साथ दे सकता है लड़ाई में। तो बताओ भगवान श्री कृष्ण इस समय में क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति को चाहिए कि उसके साथ कोई पंगा लेने वाला व्यक्ति हो, और इतना शक्तिशाली है वो कि वो कोई किसी को मिल ही नहीं रहा है, कोई उसके सामने नहीं आ रहा है पंगा लेने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है कि सभी जीवों के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, विदधाति कामान, सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसका भी, ये भी तो एक जीव है, इसकी भी इच्छा को पूर्ण करनी है, मतलब कि वो फाइट चाहिए उसको, उसको लड़ाई चाहिए। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण आते हैं वराह रूप में और बोलते हैं कि चलो आ जाओ, मैं आपसे लड़ाई करना चाहता हूँ। तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं, लेकिन वो देखते ही हिरण्याक्ष लग गया इसके पीछे, वराह देव के पीछे, और दोनों में फाइटिंग हुई और अंततः मतलब वराह देव ने हिरण्याक्ष को वध किया। हिरण्याक्ष को वध करने के बाद हिरण्यकशिपु तो पूर्ण रूप से पागल हो गया, बोला था कि कैसा हो सकता है, विष्णु, विष्णु इज माई एनिमी, ये हमेशा देवताओं का पक्ष लेता है और इस तरीके से वो न जाने कितने सारे कुकर्मों को कर रहा है, बहुत सारे पापों को कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु एकदम पागल हो गया, लेकिन उसके जितने रिलेटिव से हिरण्याक्ष के थे बहुत ही शोक संमग्न हो गए थे और बहुत ही रो रहे थे। हिरण्याक्ष क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु क्या करता है, सबसे पहले जाता है गुस्से को थोड़ा शांत, खुद का गुस्सा शांत करके वो अपने रिलेटिव के पास जाता है, बोलता है, उनको शास्त्रोपदेश देते हैं, देखिए जितने भी शास्त्रोक्त चीजें हैं ना जो सही है, सभी चीजों को अपने रिलेटिव को बताते हैं, उनके उनका जो शोक है ना उसको कम करने के लिए। आपको सुन के बहुत ही अचंभा हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं लेकिन कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का वो नाम नहीं लेते। तो बोलते हैं कि सभी जीव इस संसार में आते हैं अपने कर्मों के कारण, और ये सभी जीव ये शरीर नहीं है, हम लोग जिसको समझ रहे हैं कि आपका पिता है, आपका माँ है, ये कोई शरीर नहीं, ये सब आत्मा है। एग्जैक्टली भगवद गीता है कि नहीं? तो सब कुछ आत्मा है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ये हमेशा रहती है, इट्स इम्यूटेबल। और इस तरीके से ना जाने कितने सारे गुणों के कारण ये प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक स्पीसीज में जो आत्मा है ना वो चलते रहती है। इसलिए हमें शोक संबंध नहीं होना चाहिए, कर्म जो है ना उसी कारण सुख दुख होता है, और उसे उस तरीके से समझ के संतोष करना चाहिए। तो आप लोग को लगेगा बहुत सारे ऐसे ऐसे है ना कथाकार होते हैं जो कि शास्त्रोक्त चीजें बोलते हैं, लेकिन वो कभी भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन संबंध बनाने की बातें नहीं बोलेंगे। वो हिरण्यकश्यपु जैसे ही दानव होते हैं, आपको एक साधु के चौंगे में लगे दिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उनके मन में यही रहेगा एक ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अस्तित्व को शास्त्र से हटा के फेंक दिया जाए और उनकी बात कभी करें नहीं। तो वो ऐसे लोगों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, जो भी मतलब कि शास्त्र सम्मत तथा संप्रदाय, जो चार संप्रदाय हैं भगवान श्री कृष्ण के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उन चार संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय का अनुसरण करना चाहिए। और ये जो जिसमें हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये आता है कौन से संप्रदाय में, भगवान ब्रह्मा जी के संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो इस तरीके से वो हिरण्यकशिपु बोलता है लेकिन समझ में नहीं आता उन लोगों को। फिर हिरण्यकशिपु एक दूसरी कहानी बताते हैं, एक राजा की कहानी बताते हैं, उसी नर प्रांत के राजा का नाम था सुयज्ञ। तो सुयज्ञ क्या हुआ कि सुयज्ञ की मृत्यु हो गई एक लड़ाई में। तो सुयज्ञ की जितनी पत्नियां थी वो बैटल फील्ड में अपने पति के जो कॉर्प्स है, आई मीन डेड बॉडी है, उसको लेके वो गुलाब कर रही है। तो इतना जोर से गुलाब कर रही होती है कि यमराज को छोटे लड़के के रूप में आना पड़ता है। और वो यमराज फिर दूसरी कहानी बताता है, एक पक्षी की कहानी बताता है, कुलिंगा पक्षी। दो कुलिंगा पक्षी रहते हैं, पति पत्नी, तो जंगल में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो एक व्याध आता है और एक उसमें से एक को मार देता है, मतलब कि पत्नी को मार देता है, कुलिंगा बर्ड, शी कुलिंगा। तो कुलिंगा पक्षी जो है, जी बर्ड है यानी मेल बर्ड, वो बहुत ही विलक्षण लगता है, रोने लगता है। तो तुरंत पता चलता है कि व्याध उसके तरफ निशाना लगा रहा है, फिर से उसी को मारने के लिए। तो
तो इस तरीके से वो डरता है कि मुझे ही मारने वाला, तो तुरंत वहां से वो भाग उठता है। तो इससे हमें यही टीचिंग्स मिलती है कि nobody is going to be, I mean, secured. कोई बचा नहीं रहेगा, everybody has to die actually. But we should see how we can escape the repeated cycle and birth, cycle of birth and death. So that's the actual lesson. उसके बाद हिरण्याक्ष क्या करता है कि अब तो इन लोगों को किसी तरीके से आश्वासन दे के सब लोगों को शांत किया, उसके बाद वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा विष्णु को मारने के लिए। तो विष्णु को मारने के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाना पड़ेगा, विष्णु अमर है तो मुझे भी अमर बनना पड़ेगा। तो हिरण्याक्ष प्लान करते हैं कि कैसे मैं अमर बनूंगा। तो अमर बनने के लिए मुझे ऐसा वर देने वाला कोई होना चाहिए कि मैं अमर बन जाऊं, है कि नहीं। तो वो जाते हैं इसके पास, ब्रह्मा जी के पास, वो परम पुरुषोत्तम विष्णु के पास नहीं जाते क्योंकि विष्णु को ही उसने अपना दुश्मन बना के रखा है। जो ब्रह्मा शिव सभी के मालिक हैं, उसको वो परम पुरुषोत्तम भगवान को ही अपना दुश्मन मान बैठा है। तो वो जाके हिरण्यकश्यपु वो ब्रह्मा जी का वो तपस्या में लग जाता है, सोचता है कि छोड़ो हटाओ, कुछ थोड़ा सा लीव ले लेते हैं, देवताओं को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो वो घर को छोड़ के मंद्राचल पर्वत में जाके गुफा में तपस्या करने लगता है। उसकी शक्ति इतनी होती है कि जब तक वो राज करता हुआ होता है ना, पूरी की पूरी हिमालयी प्लैनेट पूरा खाली हो जाती है उसकी प्रताप से। सारे देवता उनको भगा देता है, भाग जाए यहाँ, सब निकल के धरती पे घूमते रहते हैं मनुष्य की योनि में। और जब वो उन लोगों को पता चलता है कि हमारे हिरण्यकश्यपु सरदार भी निकल गए हैं अब कहाँ तपस्या करने के लिए, तो उनको लगता है कि तुम लोग जा सकते हैं अपने घर पे हेवेंस में। तो फिर कुछ दिन के लिए वो हेवेंस में आते देवता में। लेकिन इतना खतरनाक वो राक्षस है कि ऐसी तपस्या करने लगा कि पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड में ना जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी वैसा, उसके उसके शरीर से इतना ताप निकल रहा था कि पूरे के त्रिभुवन है ना, तीनों भुवन में जैसा लग रहा था कि गर्मी से आग जल रही है। जितने भी चर अचर सारे जीव, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी देवतागण हैं, जितने भी नर पशु, सब लोग हालत खराब है। जैसे एटॉमिक बम कहीं छुटता है, तो कैसा होता है, सभी लोगों का हालत खराब होता है, कोई नहीं बचता है। सो इट वॉज लाइक ह्यूज, हिरण्यकश्यपु के सर से इतनी ऊर्जा निकल रही थी, इतनी क्योंकि वैसा तपस्या कर रहा था। देवतागण को फिर लगा कि यार ये रहने नहीं देगा, इतना ये व्यक्ति इतना दुष्ट है कि वो तपस्या कर रहा है फिर भी हम लोग का जीवन दूर कर चुका है। तो वो सभी देवतागण भागे ऊपर ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने बोला कि आप कुछ करो, यूनिवर्स में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, आपका कोई नाम ले रहा है नीचे ओम ब्रह्मा नमः और आपको बुला रहा है, आप कुछ कीजिए। हिरण्यकश्यपु बहुत ही खतरनाक तपस्या कर रहा है और उसको उसके मन में क्या है मैं बता देता हूँ, उसके मन में है कि वो अमरत्व को प्राप्त करे और आप कृपया हम लोग का त्राण कीजिए, आप कृपया जल्दी प्रोसीड कीजिए हिरण्यकश्यपु जी के पास। तो ब्रह्मा जी फट से निकलते वहां से और हिरण्यकश्यपु पहले आते, हिरण्यकश्यपु तो देख ही नहीं पाते, हिरण्यकश्यपु को तो देख ही नहीं पाते किधर है, क्योंकि इतने दिनों से वो तपस्या किया कर रहा होता है, इतना खतरनाक तपस्या कर रहा होता है कि एक ही पैर पे खड़ा होके इतने दिनों से खड़ा होता है कि उसके पूरे शरीर में हाफ शरीर में दीमक का जो घर है ना वो बना होता है, एंट हिल, पूरा शरीर उसका जर्जर हो गया होता है, हड्डियों में भी वो कीड़े घुसे होते हैं, एंट्स घुसे होते हैं, दीमक उसको बोलते हैं। तो कहीं से उसको हल्का हल्का आवाज सुनाई देता है ब्रह्मा जी को और उसको पता है कि यस ही है। तो कमंडलों में से ट्रांसमिटल वाटर निकालते हैं पानी और थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, छीट देते हैं इसके ऊपर, हिरण्यकश्यपु के ऊपर। जैसे छीटते हैं वो इतना मतलब डिवाइन वाटर होता है कि उसका स्पर्श प्राप्त करने से हिरण्यकश्यपु पूरा रिजुविनेट हो जाता है, एकदम सारे मांस सारे चमड़ियां सब कुछ सुशोभित रहते हैं, बहुत ही डैडिक मांस और बहुत ही सुंदर एक युवक के रूप में वो आ जाता है। और आने के बाद वो चमित रहता है कि ब्रह्मा जी आ गए, और आने के बाद ब्रह्मा जी के आने के बाद वो प्रणाम करता है बार बार प्रणाम करता है, बार बार वो क्या करता है ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। तो
ब्रह्मा जी भी समझ रहे होते हैं कि ये दुष्ट क्यों मुझे बार बार प्रणाम कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे, और बहुत श्रद्धा दिखाते हैं और बहुत बार बार प्रणाम करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर में वो हृदय में उनका वो जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं है, हमें सभी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन वो बहुत सारी काम वासनाओं के कारण ढका हुआ है, बहुत सारी गंदगियों के कारण ढक गया होता है, तो उसके कारण वो खुद का छलावा करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी पता चल रहा था कि ये लड़का, ये आदमी कितना छलावा कर रहा है, ये इसके मन में कुछ और है, वो बस लोग मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है, मुझे बार बार प्रणाम कर रहा है। और बार बार प्रणाम करके ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बताओ हिरण्यकश्यप, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्या वर चाहिए आपको, जो वर चाहिए आपको मैं दूंगा, चिंता मत कीजिए, आप बोलिए क्या वर चाहिए। तो एकदम फटाफट निकल गया उसके मुख से पहली बार, मुझे अमर बना दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वर चाहिए, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कुछ बोला कि अमर बना दो, अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, मुझे खुद को मरना पड़ेगा, जब यूनिवर्सल एनिहिलेशन होगा तो मैं भी चला जाऊंगा, मुझे भी निंदा रहने का कोई हक नहीं है। I also have some life tenure. After that, I will die. So, like ऐसा है। तो मैंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मतलब कुछ तो छुपा रहा है, वो मुझे नहीं देगा। तो उन्होंने कुछ दूसरा स्ट्रेटजी बनाया, 7-step strategic planning उसने किया। जैसे strategic planning करते हैं ना, किसी भी object aim को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, इसको प्राप्त करने के लिए ये प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान था, सोचा कि मुझे तो अमर ही होना है, तो आई हैव टू सेट सम ऑब्जेक्टिव्स, मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे जिसके कारण मैं ऑटोमेटिकली क्या बन जाऊंगा, अमर बन जाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं 7 ऑब्जेक्टिव्स टू बिकम इमोर्टल। पहला ऑब्जेक्टिव है, आई शुड नॉट बी किल्ड बाई एनी लिविंग एंटिटी क्रिएटेड बाई यू ओ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से मैं नहीं मरना चाहता, पहला। उसके बाद बोलता है कि मैं नहीं मरना चाहता हूँ घर के अंदर या बाहर, एदर थिंग्स आर कवर्ड और अनकवर्ड, मैं कहीं नहीं मरना चाहता हूँ, ठीक है, न घर पे न बाहर। उसके बाद बोलते हैं कि मैं न दिन में मरना चाहता हूँ न रात में मरना चाहता हूँ। आप तो बोल रहे हैं कि अमर नहीं मर सकता मैं, मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन अगर मरता भी हूँ तो ये सारी कंडीशन होने चाहिए, आप थोड़ा सैंक्शन करते जाइए, ठीक है। तो न दिन में मरना चाहता हूँ न रात में मरना चाहता हूँ। उसके बाद बोलते हैं मैं किसी भी शस्त्र से नहीं मरना चाहता। उसके बाद बोलते हैं कि मैं न आकाश में मरना चाहता हूँ न धरती पर मरना चाहता हूँ, पांचवा हो गया। उसके बाद बोलते हैं कि मैं न देवता से मरना चाहता हूँ न किसी व्यक्ति से मरना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति से नहीं मरना चाहता, देवता से स्पेसिफिकली नहीं मरना चाहता। उसके बाद सातवां बोलते हैं कि मैं न जीवित व्यक्ति से मरना चाहता हूँ, जीवित वस्तु से मरना चाहता हूँ, ना मैं निर्जीव वस्तु से मरना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो 7 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हिरण्यकश्यप जी, और 7 ऑब्जेक्टिव के ऊपर ब्रह्मा जी का एकदम मोहर लगवा लेते हैं और साइन करवा लेते हैं, साइन बाय लॉर्ड ब्रह्मा, चतुर्भुज ब्रह्मा ऑफ दिस यूनिवर्स, और वो साइन करवा के बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, आपने सारे जितने भी सारे मेरे स्ट्रेटजिक पॉइंट से उसको आपने सैंक्शन कर दिया, साइन भी कर दिया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे दत्तांश तो करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो लीला चालू होती है हिरण्यकश्यप की, उसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। टोटल 10 अध्याय हैं 7वें स्कंद में, जो कि भगवान श्री नरहरि की लीलाओं के ऊपर वर्णित है। तो आज हमने 3 अध्यायों के सिनॉप्सिस के ऊपर भी चर्चा की, और बचे हुए 7 अध्याय जो हम लोग चाहेंगे कि 2 दिन में खत्म करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कुछ प्रश्न है या फिर कुछ डिस्कशन है, कुछ कॉमेंट्स है, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। They are offending Supreme Personality of Godhead, right?
but they are not doing Namaprad. So in Namaprad, it's not mentioned that if you speak bad name to Krishna, then you will get offenses. Problem is that Krishna has told you should not do blasphemy of my devotees. So somehow they don't do much. I think they do, but they do for different demigods. So they kill only. So specifically this pastimes of Hiranyakashipu and Hiranyaksha, they have been mentioned in Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam, every character of Srimad Bhagavatam is for the sake of teaching us specifically. So we cannot put ourselves into their place and start making one case study. So we cannot compare living entities with Hiranyaksha and Hiranyakashipu because they were all eternal living entities. So yeah, yeah. But they were putting their relations, but that relation was very much intense with Krishna. That's the sum and substance of everything. हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं. हमारी क्या स्थिति है? हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं. हमारा कोई भी रिलेशन नहीं उनके साथ. I mean, we have forgotten our relationship with him. हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण की विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं तो हमारा मन कहीं कहीं चला जाता है. लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के साथ ऐसा नहीं था. उन्होंने 24/7 वो भगवान के बारे में सोचते थे. लेकिन सोचते थे कैसे? मारने के लिए. लेकिन अगर वही हम लोग करने कर सके, हम लोग कर नहीं सकते वैसा. कंस हमेशा यही सोचता था कि कैसे मैं कृष्ण को मारूंगा. दिन भर रात भर यही सोचता रहता था कैसे कृष्ण को मारूंगा, कैसे कृष्ण को मारूंगा. सो कृष्णा का ही वॉज वेरी मच कृष्णा कॉन्शियस. संकर्षण टाइप बोलते हैं ही वॉज वेरी मच कृष्णा कॉन्शियस. ही वॉज मोर कृष्णा कॉन्शियस देन एनी अदर डिवोटी. बट प्रॉब्लम विथ हिम वॉज दैट ही वॉज अनफेवरेबली कृष्णा कॉन्शियस. वो कृष्ण को मारना चाहते. लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो कृष्ण को मारना नहीं चाहते. कृष्ण से वो उनका जो फॉरगेटन लव है उसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं. तो सायुज्य मुक्ति का जो पोजीशन है वो भी परमानेंट नहीं है. दैट्स आल्सो टेम्पररी. अल्टीमेटली हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दे कम बैक एज जगायन वदाये एंड दे गेट इनटू लव ऑफ गॉडहेड. राइट? दे आर नॉट जस्ट देयर ऑन द सायुज्य प्लेटफॉर्म. दे गॉट प्रेमा प्रेम कुमार्थ महान एंड दे रिटर्न बैक टू किंगडम ऑफ गॉड. सो अल्टीमेटली दे हैव टू रिवाइव. दे हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफेंसेस. जगाई मदाई के फॉर्म में उन्होंने एक सारे जितने भी अपराध किए थे सब कुछ क्या किया? सेवा करके हटाया. हरिनाम करके सारे अपराधों को हटाया. तो जितने भी वैष्णव के साथ वो भी अपराध को हटाया उन्होंने सेवा करके, सेवाएं करके. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नॉट कंपेयर अवर सेल्फ विद एनी कैरेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम. सेकेंड थिंग इज दैट द पोजिशन ऑफ इवन गेटिंग दैट सो कॉल्ड एब्सोल्यूट platform of being Sayuja Mukti, that's also not permanent. That's also temporary. Ultimate relation with devotees, relation with living entities and Krishna is of favorable loving devotion and favorable loving relationship. Not of being the fighter and being a like, type of rival of Krishna. So that relationship is not permanent. That relationship is temporary. So that is understanding. So, if you want to add something, any devotee, into this particular point, you can also add.